हाय नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता आपका मेडिलाइफ सर्जिकल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। यहां पे हम आपको बताते हैं सर्जिकल प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सब के बारे में जानकारी मिलता रहे, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं जो आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आया जा रहा हूँ, जो कि मेडिमूव ब्रांड का है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेडिक्यूब कंपनी करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा व्हील चेयर बनाया है अभी, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव व्हील चेयर है, फोल्डेबल व्हील चेयर है, और आपको इकोनॉमी मतलब कम रेंज में आपको अच्छा व्हील चेयर है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मैग व्हील है, इसमें खुद से चलाने का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे पकड़ के पेशेंट खुद से चला सकता है, हैंड ब्रेक है, आगे में छोटा व्हील है, पीछे में बड़ा व्हील है, मैग व्हील है, साइड भी हैंड ब्रेक दिया हुआ है। फुट रेस्ट हो गया आपका पेशेंट को रेस्ट करने के लिए, इसे आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, इसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। इस टाइप से इसे ओपन करना हो तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे फैला देना है, इस टाइप से आराम से ये खुल जाएगा। ड्रेस हो गया, पेशेंट खुद से भी इस पे बैठ के चला सकता है। ये जो हैंड रेस्ट दिया हुआ है काफी सॉफ्ट दिया हुआ है हैंड रेस्ट, प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। किसी पेशेंट के लिए आपको जरूरत है तो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से पेशेंट चला सकता है, खुद से आगे पीछे कर सकता है। सीट बेल्ट भी दिया हुआ है इसमें, सीट बेल्ट भी आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सीट बेल्ट आप लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट आगे की तरफ गिरेंगे नहीं। सो ऑप्शन दिया हुआ है, फोल्ड करके आप कहीं पे भी आसानी से रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी स्टेप्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सर्जिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।